हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आई एम सूर्यजीत मौर्य और हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पेंशन या एनुटी के बारे में। हम लोग देखेंगे कि एनुटी क्या होता है और पेंशन क्या होता है और इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनुटी यहां पर बताया गया है एनुटी के बारे में। एनुटी इज ए ईयरली पेमेंट टू एन एम्प्लॉई पोस्ट हिज रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फंड दैट वेयर सेव्ड बाय हिम बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द एनुटी फंड वाइड हिज सैलरी व्हेन ही वाज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए एनुटी क्या होता है, पहले हम समझा देते हैं आपको कि देखिए एनुटी जो होता है ना वो कई तरह का होता है। तो अगर हम एक एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय की बात करें तो कहा जाता है कि जैसे एक एम्प्लॉयर में ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर क्या होता है एक अमाउंट डिडक्ट करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ या पर ईयर डिडक्ट करता रहता है एम्प्लॉय की सैलरी से और उस अमाउंट को वह कहीं इन्वेस्ट कर देता है। ठीक। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव्ड होता रहता है जिसे आप एनुटी कहते हैं। एन्युटी रिसीव्ड, यहां पर देखिए एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी। अगर एक प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एन्युटी रिसीव्ड हो रहा है एक एम्प्लॉय को अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से तो वह सैलरी एम्प्लॉय के हैंड में वह एनुटी एम्प्लॉय के हैंड में सैलरी हैंड में टैक्सेबल किया जाएगा। और कहा गया एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स एज प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी। अगर पास्ट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को एनुटी रिसीव्ड होती है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, पास्ट एम्प्लॉयर का मतलब है कि आफ्टर रिटायरमेंट बाद एनुटी रिसीव्ड हो रही है तो कहा गया इसे हम सैलरी हेड में ही टैक्सेबल करेंगे लेकिन उसे हम प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी मानकर। ठीक है। पेंशन हाउ एवर इज, या पेंशन की हम बात करते हैं। ऊपर हमने एनुटी के बारे में बात किया, अब हम पेंशन के बारे में बात करते हैं। पेंशन क्या होता है कि एक अगर एक इंप्लॉई अपने इंप्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि 60 ईयर तक उसने अपने इंप्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड किया, अब जैसे ही वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है तो वह एक रिटायरमेंट ले लेता है या रिटायरमेंट उसका कर दिया जाता है। चूंकि उसके अब वो बहुत ओल्ड हो चुका है तो उसे वह अब अन्य वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि वह बूढ़ा ओल्ड हो चुका है तो उसके जीवन यापन के लिए कुछ तो इनकम चाहिए ना। तो इंप्लॉयर क्या करता है उसे एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ एज ए पेंशन पेमेंट करता रहता है। ठीक है। यहां पर मान लिया गया है कि जैसे वो बहुत यंग था तो उसने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक, और एम्प्लॉयर ने उसे सैलरी प्रोवाइड किया, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया तो अब तो वो काम नहीं कर सकता है ना, वर्क नहीं कर सकता है, तो लेकिन तब पर भी तो उसको जीवन यापन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करने होंगे जिसके लिए उसे इनकम की आवश्यकता होगी, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए पेंशन दिया जाता है। ठीक है। तो यहां बताया गया है पेंशन हाउएवर इज जनरली पेड बाय गवर्नमेंट। नॉर्मली जो पेंशन का पेमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को पेंशन का पेमेंट कर सकती है। किस लिए? पोस्ट हिज सर्विस एंड दिस टू इज पेबल आफ्टर रिटायरमेंट। यह जो पेंशन होता है यह आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही दिया जाता है। This pension so received cloud be commuted uncommuted explained as under। जो हमारा पेंशन होता है ना उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी बनेगी कम्यूटेड पेंशन की एंड सेकेंड कैटेगरी जो हमारी बनेगी अनकम्यूटेड पेंशन की। अब आइए देखते हैं क्या होता है कम्यूटेड पेंशन एंड क्या होता है अनकम्यूटेड पेंशन और इसके टैक्स ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पेंशन है, पेंशन को पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पहला कम्यूटेड पेंशन, सेकेंड अनकम्यूटेड पेंशन। और अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में यहां क्लियरली बता दिया गया है, जो अनकम्यूटेड पेंशन होता है वो फुली टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इंप्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, कुछ इसका एक्सेप्शन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये फुली टैक्सेबल होता है चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हो। अब जान लीजिएगा अनकम्यूटेड पेंशन होता क्या है। अनकम्यूटेड पेंशन वो पेंशन होता है जो कि पर मंथ इंप्लॉई को रिसीव्ड होता रहता है, पर मंथ इंप्लॉई को रिसीव्ड होता रहता है एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ इंप्लॉई को रिसीव्ड होता रहता है, उसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। पेंशन का वह अमाउंट जो इंप्लॉई को पर मंथ रिसीव्ड होता रहता है उसे हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, जो कि फुली टैक्सेबल होता है इंप्लॉई के हैंड में। अगर हम कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं तो यह एक लमसम अमाउंट होता है। ठीक है, यह एक लमसम अमाउंट होता है जो कि एक ही समय में इंप्लॉई को दे दिया जाता है, जैसे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितना भी अमाउंट हो वो एक ही बार में दे दिया जाता है कम्यूटेड पेंशन, उसे हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। और कम्यूटेड पेंशन दिया जा सकता है सेंट्रल यहां पर देखिए दिया गया है, अगर कम्यूटेड पेंशन दिया जा रहा है इंप्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंप्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, तो यह फुली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, जिस जो कि इंप्लॉई के हैंड में यह फुली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई को पेंशन कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉई को या लोकल अथॉरिटी के इंप्लॉई को या स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, जैसे हमारा स्टेचुरी कॉर्पोरेशन होते हैं ना, जैसे क्या हम मानते हैं जिसमें जैसे ये हमारा हो गया सीबीआई और इलेक्शन कमीशन, ये सब जो होते हैं कॉर्पोरेशन, अगर इस तरह के कॉर्पोरेशन में अगर कोई इंप्लॉई एंगेज है और उससे क्या दिया जाता है उसे दिया जाता है कम्यूटेड पेंशन, तो वो इंप्लॉई के हैंड में फुली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर इंप्लॉई का मतलब कि इन सभी को छोड़कर जो अदर इंप्लॉई बचते हैं उनके लिए क्या होगा। कहा गया इफ द इंप्लॉई इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी, अगर इंप्लॉई को ग्रेजुटी रिसीव हुआ होगा तो क्या होगा, अगर इंप्लॉई को ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुआ होगा तो क्या होगा। कहा गया है इफ द इंप्लॉई डज नॉट रिसीव एनी ग्रेजुटी, इफ द इंप्लॉई इज इन रिसीप्ट ऑफ ग्रेजुटी, कहा गया अगर इंप्लॉई ने ग्रेजुटी रिसीव किया है तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, या हम यह कह सकते हैं 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। जैसे सपोज करिए एक इंप्लॉई को 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन दिया जा रहा था, अब क्या हुआ कि इसका 50% कम्यूट करा लिया गया, क्या करा लिया है कम्यूट करा लिया है, कम्यूटेड करा लिया गया, तो 50% कितना आएगा और उसके बदले में 50% कम्यूटेड पेंशन के 50% पेंशन के बदले में उसे 1,00,000 रुपये कम्यूटेड पेंशन एक पीरियड पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे रिसीव हो गया, और जो इसका 50% बचा है, इसका 50% कितना हो जाएगा 500 रुपये, क्योंकि इसका 50% कम्यूट करा लिया गया और जो रिमेनिंग 50% बचा वो उसको पर मंथ मिलता रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनकम्यूटेड पेंशन हो गया, ये हमारा कम्यूटेड पेंशन हो गया। तो कहा गया कि 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाई कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज इंटू 100%, इसका मतलब क्या,
अगर 1 लाख कम्यूट करा लिया गया, अगर सपोज करिए 1 लाख अगर 50% के बराबर है तो 100% के बराबर क्या है, 100% के बराबर क्या होगा? तो कहा गया इसका मतलब 2 लाख हो जाएगा ये, ठीक है, 2 लाख, ओके। अब इसका मतलब 2 लाख का हम 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख का 1/3 कितना आएगा, 2 लाख का 1/3 हमारा हो जाएगा 66,666 रुपये। ये हमारा एग्जेम्प्टेड पार्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 1 लाख में से, अब 1 लाख में से हम 66,667 रुपये बचाएंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस इसको लेस करेंगे जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंप्लॉय ने ग्रेजुटी रिसीव्ड किया है तो, और लेकिन अगर इंप्लॉय ने ग्रेजुटी रिसीव्ड नहीं किया है तो क्या होगा, कहा गया 1/2 of 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला है, लेकिन अगर हमको कोई पढ़ने के लिए कह दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/2 of 100% कम्यूटेड पेंशन। अगर सपोज करिए यहां पर 50% पेंशन को कम्यूट कराने पर 1 लाख रुपये मिला, इसका मतलब कि अगर 100% पेंशन कम्यूट करा लिया जाता तो इसे 2 लाख मिलता, ठीक। तो 2 लाख का 1/2 कितना हो जाएगा, 2 लाख का 1/2 हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट करा कर दिया जाएगा, और हमें एक्चुअल में कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव्ड हुआ है, 1 लाख रिसीव्ड भी हुआ है, तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा वो फुल अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर दिया गया है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम पहले यहां ले लेते हैं ताकि हम लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना। तो फ्रेंड यहां पर देखिए दिया गया है कि मिस्टर सागर रिटायर्ड ऑन 1/10/2019, 1 तारीख 10 के महीना 2019 में रिटायर हो रहे हैं, और उन्हें 5,000 रुपये पर मंथ एज एक पेंशन पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन 1/2/2020 को वो क्या कर रहे हैं, 60% पेंशन जो है वो कम्यूट करा ले रहे हैं, और उसके बदले में उन्हें 3 लाख रुपए रिसीव्ड हो रहे हैं एज ए कम्यूटेड पेंशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन एज्यूमिंग, क्या मान लिया जाएगा, पहला हम मान लेंगे वो क्या है, गवर्नमेंट इंप्लॉय है। सेकेंड केस में हम मान लेंगे क्या है, वह एक प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉय है, और उन्हें जो है ग्रेजुटी रिसीव्ड हुआ है 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद बताया गया है थर्ड केस, हम मान लेंगे कि ही इज ए प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय एंड इज नॉट ए रिसीव्ड ऑफ ग्रेजुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले केस में कहा गया, अगर एक पहले केस में बताया गया है, अगर हम इसका केस ए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बताया गया है ए पॉइंट के बारे में कि अगर एक गवर्नमेंट इंप्लॉय को कम्यूटेड पेंशन, अगर एक गवर्नमेंट इंप्लॉय को इफ मिस्टर सागर इज ए गवर्नमेंट इंप्लॉय, तो कहा गया जो कम्यूटेड पेंशन होता है वो
गवर्नमेंट इंप्लॉय के हिंट में जो होता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन जो मिला हुआ है उन्हें 3 लाख रुपए 3 लाख रुपीज वो क्या हो जाएगा, वो फुली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो अनकम्यूटेड पेंशन है, जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुली टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट इंप्लाई हो या नॉन गवर्नमेंट इंप्लाई हो, ठीक है। ये कम्यूटेड क्या पेंशन रहना चाहिए, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन की अगर हम बात करें तो कहा गया पहले उन्हें जो मिल रहा था कितना, 1/10 यानी 1 अक्टूबर 1/10/2019 को वो रिटायर हो रहे हैं, तो यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उन्हें पेंशन, 4 महीने जनवरी में भी उन्हें पेंशन मिला, लेकिन 1 फरवरी को 60% पेंशन कमिट करा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 4 महीने तो उनसे उन्हें फुल पेंशन मिला हुआ है, यानी 5000 रुपए के रेट से, कहां से 1/10/2019 से लेकर 1/2 या हम ऐसा कह सकते हैं 31/1/2020 तक उन्हें फुल पेंशन मिला है, यानी 5000 पर मंथ के रेट से 4 महीने का हम ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 20000 रुपये। लेकिन कहा गया है 1 फरवरी 2020 को 60% पेंशन कम्यूट करा लिया गया, इसका मतलब अब कितना बचा, 5000 में से अगर हम 5000 का 60% मानी 3000 रुपये एक्सक्लूड कर देते हैं तो 2000 रुपये बचेगा। अब 2000 रुपये जनवरी फरवरी एंड मार्च का हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 4000 रुपये, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 24000 रुपये। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में 24000 रुपये हमारा टैक्सेबल पेंशन होगा, ओके। अब हम आते हैं, मान लेते हैं कि अगर मिस्टर सागर जो है क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है लेकिन इन्हें ग्रेजुटी रिसीव्ड हुई है, मान लेते हैं क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है लेकिन ग्रेजुटी जो है वो रिसीव्ड हुई है, ठीक। तो कहा गया अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन जो हमने पहले वाले केस में कैलकुलेट किया है उतना तो सभी केस में आएगा, अनकम्यूटेड पेंशन तो उतना सभी में आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन जो है फुली टैक्सेबल होता है इन केस ऑफ ऑल इंप्लॉय, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा 24000 रुपये, इसको भी हम ले लेते हैं जैसे हम ऊपर कैलकुलेट किए हैं। अब बात आती है कम्यूटेड पेंशन की, तो कम्यूटेड पेंशन के बारे में बताया गया है अगर इंप्लॉय ने ग्रेजुटी रिसीव्ड की है तो उसे कम्यूटेड पेंशन का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। कितना एग्जेम्पशन दिया जाएगा, कहा गया पहले हम लिख लेते हैं पेंशन, लिख लेते हैं कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड किए हैं 3 लाख रुपए। अब इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे 1/3 of 100% कम्यूटेड पेंशन, यानी 3 लाख उन्होंने उन्हें मिला हुआ है, जब वो 60% पेंशन अपना कम्यूट कराते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए रिसीव होता है, अगर वो 100% कम्यूट कराते तो उन्हें कितना मिलता है, अगर 3 लाख उन्हें मिला है 60% के बदले में
तो अगर 100% वो कम्यूट पेंशन करवाते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए रिसीव्ड होता, तो 5 लाख का 1/3 हम क्या दे देंगे, उन्हें एग्जेम्पशन दे देंगे, जो कि हमारा आएगा 1,66,667 रुपये। अब उसे हम माइनस 3 लाख कर देंगे, 3 लाख में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1,33,033 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा जोड़ लेंगे, हमारा एक लाख 57,333 रुपीज। अब हम मान लेते हैं कि जो मिस्टर सागर हैं वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, जो कि सी पॉइंट हमारा बता रहा है, सी पॉइंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, लेकिन उन्हें ग्रेजुटी रिसीव्ड नहीं हुई है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है लेकिन उन्हें ग्रेजुटी रिसीव्ड नहीं हुई है, नो रिसीव्ड ग्रेजुटी। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन जो है इन्हें भी क्या दिया जाएगा, ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, कितना 24,000 रुपये। और बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी हम टैक्सेबल लिख देते, क्योंकि हम टैक्सेबल पोर्शन ही क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। तो कैसे हम कंप्यूट करेंगे, कहा गया उन्हें कितना पेंशन, कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव्ड हुआ हुआ, पहले हम ये देखेंगे कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना रिसीव्ड हुआ है, 3 लाख रुपये। लेकिन इन्हें ग्रेजुटी नहीं मिला है, तो इस केस में बताया गया है इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, 1/2 of 100% कम्यूटेड पेंशन, जो कि हमको कैलकुलेट करने का सूत्र बताया गया है। ये सूत्र हम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर 60% हमने कम्यूट कराया और हमें 3 लाख रुपये मिला, तो अगर हम 100% कम्यूट कराते तो हमें कितना मिलता, 5 लाख रुपये मिलता। तो 5 लाख का अगर 1/2 हम कंप्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 लाख रुपये, 5 लाख का 1/2 कितना आएगा, 2.5 लाख, तो ये हमारा आ गया 50,000 रुपीज। अब एड कर देते हैं कितना आ जाएगा हमारा, 74,000 रुपये, 74,000 रुपीज हमारा, ये हमारा टैक्सेबल पोर्शन है, क्या है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो इस तरह से हम अपने पेंशन का कंप्यूटेशन करते हैं, टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा, कितना हमारा एग्जेम्प्टेड पोर्शन होगा, इस तरह से हम कम्यूट करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।